हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने आईफोन XR का 100% लैग्स फिक्स कैसे कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। एंड वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जब भी आप लोग BGMI खेलने जाओ तो सबसे पहले आप लोग अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लो। इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं वो ऐप क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी ऐप को यूज करके रिसेंट से रिमूव करते हैं उसके बाद भी काफी सारे ऐप बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप। आप लोग कभी भी ध्यान देना, जब भी आप लोग अपने आईफोन में व्हाट्सएप को यूज करके बैकग्राउंड से हटाते हो एंड फिर जब व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो वो वापस वहीं से खुलता है जहां से आप लोगों ने लास्ट टाइम उसको हटाया होगा। एंड ऐसे ही व्हाट्सएप बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है और रैम को कंज्यूम करता रहता है, जिससे आप लोग जब BGMI खेलोगे तो वहां पे आपका हल्का सा लैग बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर आप लोग अपने फोन को एक बार स्टार्ट कर लेते हो तो आपके बैकग्राउंड में कोई भी ऐप एक्टिव नहीं रहता है। एंड तब अगर आप लोग BGMI खेलोगे तो वहां पे आप लोग का आईफोन XR एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और खुद मैं पर्सनली अपने फोन को डेली रिबूट करता हूँ गेम खेलने से पहले। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। आप लोग को अपने आईफोन XR में मिनिमम 20 GB तक तो स्टोरेज खाली रखना ही है, अगर आप लोगों ने स्पेशली XR गेमिंग के लिए परचेस किया है तब। एंड अगर आप लोगों ने सिर्फ कैजुअल गेमिंग के लिए XR को परचेस किया है तो आप लोग को 12 से 13 GB तक स्टोरेज खाली रखना है, इससे ज्यादा स्टोरेज को फुल नहीं करना है, नहीं तो आपका आईफोन XR BGMI के अंदर काफी अधिक फ्रेम ड्रॉप करेगा विदाउट रिकॉर्डिंग भी। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों टिप्स को फॉलो किया तो आप लोग समझ जाओ आपका 20% लैग फिक्स हो गया है। एंड अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपका जो बाकी का 80% लैग है वो आपका फिक्स होने वाला है। तो जो बंदे XR यूज कर रहे हैं उनको तो ये पता होगा कि आईफोन XR कितना ज्यादा हीट होता है। मैं जब इसमें एक TDM भी खेलता हूँ ना तो वहां पे मैं फोन ठीक ठाक हीट हो जाता है एंड उसके बाद TDM के अंदर भी फ्रेम ड्रॉप होने लगते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग। तो अगर मैं आप लोग को अपना बताऊं अभी के टाइम का, तो मेरा फोन हीट नहीं होता है क्योंकि मैं फोन कूलर यूज करके गेम खेलता हूँ। एंड फोन कूलर यूज करने के बाद आईफोन XR जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है ना वो एकदम टॉप लेवल का रहता है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आपको अपने आईफोन XR का ये 80% अगर लैग फिक्स करना है ना तो आप लोग एक फोन कूलर परचेस कर लो। एंड फोन कूलर भी आप लोग क्लिप वाला परचेस मत करना। क्लिप वाले मतलब से मेरा इस वाले फोन कूलर से है। ये फोन कूलर आईफोन XR को उतने अच्छे से कूल नहीं कर पाता है एंड इसको यूज करने के बाद फोन को गेम खेलते वक्त होल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि फोन का साइज ऐसे ही कम है। ऊपर से इतने बड़े फोन कूलर को फोन के पीछे लगा लो तो फोन और छोटा हो जाता है एंड फोन को होल्ड करने में गेम खेलते वक्त और स्पेस देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मैग्नेटिक फोन कूलर परचेस करो, जो कि मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं एंड वो आईफोन XR को काफी अच्छे तरीके से कूल कर देता है। तो अभी काफी लोग के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि भाई आईफोन XR में तो मैग्नेटिक है नहीं, तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक कूलर कैसे यूज करेंगे। तो भाई तुम्हारा भाई है ना, इसके लिए तुम क्यों चिंता करते हो। तुम्हारा भाई ढूंढ लाया है एक ऐसी ट्रिक जिससे हम लोग आईफोन XR के अंदर मैग्नेटिक कूलर यूज कर सकते हैं एंड पर्सनली मैं एक हफ्ते से खुद यूज कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा आईफोन XR एंड इसके अंदर मैंने मैग्नेटिक कूलर यूज किया है। एंड यहाँ पे आप लोग देखो इसने कितने अच्छे तरीके से फोन को अपने आप से अटैच करके रखा है एंड इसको आप लोग जिस कोने में चाहो उस कोने में रख सकते हो। और हाँ, इसमें मैंने कोई ग्लू नहीं लगाया जिससे ये चिपका हुआ है, इसको मैंने पानी से चिपकाया है। चलो बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले आप लोग अभी देख लो ये विदाउट मैग्नेटिक हो के भी कितने अच्छे से फोन पे चिपका हुआ है। चलो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग भी अपने मैग्नेटिक फोन कूलर को अपने आईफोन XR में कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फोन कूलर को बंद कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे देखो ये फोन पे नहीं चिपकेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ इसको फोन पे चिपकाने की, लेकिन ये फोन पे चिपक नहीं रहा है क्योंकि आईफोन XR के अंदर मैग्नेटिक है नहीं, तो ये कूलर उस पे चिपकेगा कैसे। एंड ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी लोग वीडियो पे ये बोलने वाला है कि भाई वीडियो फेक है, तो उन्हीं लोगों को चुप करने के लिए मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ कि कोई बंदा भी इस वीडियो को फेक मत बोले। तो इस फोन कूलर को अपने फोन पे अटैच करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लेना है, ज्यादा नहीं एकदम हल्का सा, मतलब एक बूंद, और यहाँ पे देख सकते हो उसको कुछ ऐसे अपने कूलर पे लगा लेना है। उसके बाद अपने फोन कूलर को अपने फोन के ऊपर 2 से 3 सेकंड के लिए रख के छोड़ देना है एंड उसके बाद बूम गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि आपका फोन कूलर आपके फोन के साथ अटैच हो गया है काफी अच्छे तरीके से। एंड इसको आप लोग ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हो, मैं इसको कैमरे के पास रखता हूँ क्योंकि फोन वहीं से ज्यादा हीट होता है। और यहाँ पर लोग देख सकते हो ये फोन पे कितने अच्छे तरीके से अटैच हुआ है, इतना हिलाने के बाद भी ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। एंड अगर आप लोग इसको एक बार निकाल देते हो फोन पे से तो इसका अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा और फिर वापस आपको एक बूंद पानी लगाना पड़ेगा और फिर जाके ये वापस फोन से अटैच हो जाएगा। और अगर आप लोग 3-4 बूंद पानी लगा देते हो तब भी आपका चिपक जाएगा, लेकिन आपको एक दिक्कत फेस करनी पड़ेगी कि आपका जो कूलर है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा, वो अपने मन से ऊपर नीचे
हिलता रहेगा। और गाइस ये ट्रिक जिन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हुई होगी ना, वो लोग मेरे को वीडियो पर कमेंट करके बता देंगे। एंड ये ट्रिक शायद ही अभी तक किसी बंदे ने भी यूट्यूब पे बताया होगा। एंड जिन लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। एंड जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं एंड उनको मेरी वीडियो पसंद आ भी है, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस मिड रेंज में जो सबसे बेस्ट मैग्नेटिक फोन कूलर है वो है मोबी लाइफ मैग्नेटिक फोन कूलर। एंड इसका मैं बेस्ट परचेस लिंक आप लोग को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग इस फोन कूलर को परचेस कर सकते हो। एंड इस फोन कूलर की जो प्राइस है वो है 1500, लेकिन ये फोन कूलर ज्यादातर अनअवेलेबल रहता है और इसके स्टॉक भी थोड़े से कम आते हैं, लेकिन ये फोन कूलर सबसे बेस्ट है। तो अगर ये वाला फोन कूलर ज्यादा दिन तक स्टॉक में नहीं आता है तो आप लोग दूसरा फोन कूलर में परचेस कर सकते हो, जो कि है जोरबेस का मैग्नेटिक फोन कूलर। एंड इस फोन कूलर की प्राइस है 1400, तो ये फोन कूलर उससे 100 रुपीज कम का ही पड़ेगा। आप लोग को दोनों में से जो कूलर पसंद है आप लोग परचेस कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। दोनों का मैं बेस्ट परचेस लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग उसको परचेस कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू गाइस।